राम राम जिसबी का स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग की मैं ओपनिंग वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो भी रात के 11 बजे, क्योंकि वो व्लॉग के लिए मैंने काफ़ी क्लिप्स तो ले रखी थी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं ओपनिंग वीडियो नहीं ले पाई थी। बस अपने व्लॉग के लिए क्लिप्स तो मैं लगातार ले रही थी। देन अभी मैंने ली है अपनी ओपनिंग वीडियो के लिए क्लिप्स, तो पूरा व्लॉग देखना यार, ये व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जैसे कि हमारे पिछले व्लॉग थे, और उन व्लॉग पे भी बहुत अच्छे व्यू और लाइक्स कर रहे हो आप लोग, तो ऐसे ही आगे वाले व्लॉग को भी लाइक और शेयर करते रहना, और जो लोग चैनल पे नहीं आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारे बर्तन उतारूंगी, पूरी किचन तहस नहस हो रखी है, क्योंकि जब फेस्टिवल टाइम आता है बहुत गेस्ट आ जाते हैं, तो अभी एक बार ये सारे उतार के सबको करूंगी। तो ये बच्चे हैं हमारे बिल्डू, एक ये पतीला भरिया था, एक यो था, सब ले गए ये बच्चे हुए। अब इनमें से मैं घर लेके जाऊंगी, कुछ ना खाएंगे। अभी मैं लगी हूँ ये लड्डू इसमें डालने, ताकि ये बहुत बड़ा बर्तन है, तो इसमें फिर सारे किचन के बर्तन आ जाएंगे, इसलिए मैं सारे लड्डू इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, फिर इसमें लगा दूँगी पूरे किचन के बर्तन, फिर इनको बाहर रख के वॉश करेंगे। और यहाँ थोड़ी सी लाइट कम है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है। तो अभी कुछ दिन आई हूँ, 2-4 दिन जितना दिन रहूँगी तो करवा देती हूँ एक बार पूरे घर की सफाई, फिर हमें वापस से अपने मुंबई के लिए निकलना है। तो आज मैं करवा दूँ सफाई, कल चली जाऊँगी अपने घर, तो जल्दी जल्दी फिनिश कर देती हूँ भाई काम। ये देखो गाइस, सारे बर्तन तो मैंने इसमें निकाल दिए हैं ऊपर के, थोड़े बर्तन बचे हैं वो और रख दूँगी। ये भाई घी के लिए आई हुई है, घी करके डालना है नीले का, और फिर इनको कपड़ा मार के और साबुन लगा लगा के अच्छे से क्लीन, फिर दिखाती हूँ किचन कैसा हो जाएगा बाद में। निकाल दिए भाई सारे बर्तन, भैया शिल्पा बैठी कर रही है आराम, यार याद ही मारे इमेज पर मंगवा दिए सारे बर्तन करा के ये देखो सासुमा ने भी नहला दी भैंस, ये दिशु बन गया कति पाली गाँव मौत है क्या नहीं करती भैंस आपको कुछ पता नहीं दिखा क्या बोल रहे हो। ये हमारी भैंस बहुत पुरानी है भाई और बुढ़ी हो गई हमारा आंख है देख दबाओ दबा, अरे चला दो ना बटन दबा दो बस पावर बटन ये भाई मैं कर रही हूँ अपनी टाइल क्लीन, पहले इन पे लगा दिया था साबुन का पानी, अब इन पे गीले कपड़े से इनको पूरा साफ कर रही हूँ, फिर ये बिल्कुल अच्छे से शाइनिंग करने लग जाती हैं। वाइट टाइल का ये है, गंदी भी जल्दी दिखती हैं और क्लीन करो ना तो चमकती भी बहुत ज़्यादा है। ये देखो बिल्कुल शाइनिंग करने लग जाती हैं, ये बिल्कुल आराम से मज़ा आता है, पर इनको देखने में जब ये पूरी क्लीन होती है गंदी होती है तो बुरा भी बहुत लगता है। ये देखो भाई हो गई है किचन बिल्कुल क्लीन, और मैंने सारे बर्तन भी लगा दिए हैं, देखो बहुत सुंदर दिख रही है ना। ये हो गया गाइज हमारा दोबारा से बैकपैक, अब हम जाएंगे अपने घर। ये दिशु क्या फैशन बना रहा है, ये लड्डू ये बना रही है, ये शिल्पा हमने आई है लेन, और इसने
मैंने लोअर टी शर्ट पहनी थी तो इसने भी लोअर टी शर्ट पहन ली। मैंने पहनी है, रेस करी है मेरी। इधर आओ। ले भाई आपका गिफ्ट। ले भाई आप। ये डिशो के पिन देखिए और आपके लिए एक पतिया भी आए। एक और सरप्राइज है। अच्छा तकिया। मैं तकिया गाड़ी में लगाने का। फिर अभी हम गाड़ी ले ना रे। ले रहे हैं। या तो यहीं रह जाएगी। दीजो क्या है? दीशो सचिन ने आपका डॉगी कैसा लगा? अच्छा है। आपको डॉल कैसी लगी? बहुत अच्छी है। कई साल हुए जब मंजीत ले आई थी और डगुड़िया। डगुड़े मीठा है। मुझे तो भैया अभी हमारी होगी है चाय रेडी और हम लेके आए थे समोसे साथ में। तो आज मेरा मन है एक समोसा तो मैं भी खा ही लूंगी। ये चुगली खिलाए सारे बुढ़ापे में भी देख दूध का कटोरा कोड़ बड़ा तू फिर ना कह देगी मना तो सब तो उम्र के मैं नहीं खाया पिया है ना। बताओ अरे ना बैग था इसमें मेरा थप्पड़ मारा मेरा सर पे फूट गया इसका घोड़ा है। देख लो शिल्पा ने इसका थप्पड़ मारा इसका सिर में भी घोड़ा हो गया। हां थप्पड़ उसने मारा। अरे यहां लोगों में जा तुझे बीपी टैग टीम ने मारा। हां गंगा की है ये है मम्मी का पिटारा। इसमें से निकलेंगे बहुत सारे सू। मेरा फ्रॉक खाए। मेरा फ्रॉक ये पता काट देना दो फिर देखेंगे सूटों में। ये फिर सासू का पहला इधर दिए इब दिया था यो करिया तुम देंग पहले रही ना अड़े लिया था सोनू पहले ना ये हां मां जी मेरा ना यो तेरी ए वीडियो बना दिया करना ये देखो बबली में आए में देर नहीं हुई है और सूट पर लग ले हम की उसमें है तो हमारा टेलर फिर सिल देगा ना क्यों। देखो दो जोड़े में सूट डल रहे थे बबली के ये देखो गप्पू को फ्रॉक की लगी हुई है। दीजो आपका भी फ्रॉक है ये देखो गप्पू का फ्रॉक कमरे में जेब खोल चले जाओ सारी वीडियो में दिखो। ये देखो भाई मेरा ये सबसे छोटा भतीजा है और ये कैसे जीभ निकालता रहता है पूरा दिन। इतना क्यूट लगता है ये ऐसे करता। कितना क्यूट लग रहा है ना। किसी ने नहीं सिखाया इसको ये खुद से सीखा हुआ है पर इतना प्यारा लगता है ये। हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा यही है। देखो गाइस ये मेरा एक लाडला जीजा है। अरे होए इतना भारिया हो रहा है देखने जोगा नहीं रह रहा। और ये है मेरी बड़ी बहन
और ये मेरा लाडू लाडू वाडू। ये है मेरा पुल किट बेटा जिसकी मैंने बनाई थी कृष्णा की वीडियो है ना। और ये देखो ग्राहक मेरी भी शक्ल एंडी एंडी हो रही है, पेटले की शक्ल इसी हो रही है। देख देख यो दैया थोड़ा रेफड़ जाग रहा है वीडियो कैसे हम जानते। देखो रेफड़ गया ना कोई बात नहीं। लोग कैसा लगा आप सबको प्लीज कमेंट करके बताना। और आगे वाले ब्लॉग भी बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि मैं अभी हरियाणा में आई हूँ, फैमिली के साथ ब्लॉगिंग रहेगी। तो फैमिली के साथ ब्लॉगिंग रहती है तो कुछ भाई ज़्यादा लोगों को पसंद भी आती है। और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक और कमेंट किया करो। और जो लोग प्लीज़ चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करके जाया करो भाई, ताकि आपको आने वाले ब्लॉग के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने भी भाई बेल बटन नहीं दबा रखा है वो बेल बटन भी दबा लें, ताकि आपको हर नए व्लॉग के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आपको वेट ना करना पड़े कब व्लॉग आएगा कब व्लॉग आएगा। जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखते रहिए, अपने नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं गाइस। तो सभी जुड़े रहे हमारे व्लॉग के लिए। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। अभी कर देते हैं भाई हम व्लॉग की एंडिंग क्योंकि रात के बज चुके हैं 12। और अभी मैं व्लॉग को एडिट करके सोऊंगी पूरा। बाय।